सपोर्ट करना है कर नहीं करना है जा तेरे बाप का गुलाम है हम <laughs> अब वो साधु बन जाएंगे हरे रामा हरे की तो कोई नहीं, नहीं देखेंगे <laughs> पर हाँ आप लोग गाना सुन के जरूर बताइएगा कि मैं सिंगर बन सकती हूँ कि नहीं <laughs> सर मैं सोती रहती हूँ क्या है कि जब मैं थक जाती हूँ चाहे अच्छा मतलब कहीं कुछ टेंशन होता है मुझे तो बस मैं सोती हूँ अब कल से ही मैं बस सो रही हूँ मुझे बहुत शर्म आती थी ये दिखा पेट दिखा अभी थोड़ा बहुत क्या करे सर करना आगा। 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 करना पड़ता है क्योंकि पब्लिक को नहीं गलत नहीं करते मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी पब्लिक देखते भी है तो फिलहाल ये मेरे सोफा पे रहता है एक जो है मेरे बेड पे बहुत बड़ा सा पड़ा है और मुझे तो किरण जी यानि कि शादी नहीं करेंगी तो उस लड़की अगर सेम टाइम पे चुपली देना तो दिमाग शांत हो जाएगा मैं अकेले हूँ और मैं केला नहीं पसंद करूँ अकेला कब हुईगा ये जनता जानना चाहती है सर उस लाइक कोई मिल तो जाए आप ढूंढिएगा तब तक मुझे लगता है कि मेरे लाइक कोई है ही नहीं आप आप <laughs> सच्चा दिल का हो झूठ ना बोलता हो शराब ना पीता हो बस काफी है। है। एलर्जी बहुत ज़्यादा। <laughs> अरे क्या बात। आज हम बात करने वाले हैं आप लोग सारे लोग जानते होंगे इनको इनका वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल चल रहा है सबसे पहले हमारे दर्शक को अपना नाम आप आप ही बता दीजिए ओके ओके नमस्ते मैं किरण शाह नेपाल बिरिगन से और कैसे हैं आप सब अच्छे हैं ऐसे में किरण जी सोशल मीडिया में आप एकदम पूरी तरह छाई हुई हैं फिल्म की दुनिया में आप लगातार एक्टिव थी तो आखिर बीच से गायब क्यों हो गई आप नहीं सर कहाँ गायब है बस थोड़ा बहुत चल रहा है छाई नहीं दे रही आजकल नहीं ऐसा नहीं है बहुत जल्द बहुत अच्छे से भी देखूंगी बट बस थोड़ा काम जारी है अपना मेहनत जारी है और अभी भाग दौड़ लगा रहता है इंडिया नेपाल देखिए कब तक तो होता है अच्छा भोजपुरी में सारे लोग कहते हैं किरण जी वहाँ पे जाने पर बाकी बहुत से समस्या का सामना करना पड़ता है खास जो लड़कियां होती हैं वो लेकिन उनके साथ गलत होता है तो ऐसे में आपके साथ कभी इस तरह का घटना हुआ है कि... पता है सर आपका हिम्मत में चलिए मैं आप ही को बोलती हूँ बुरा मत मानिएगा आपका हिम्मत जब तक नहीं होगा आप उसी इंसान को बोलिएगा जो उस लायक रहता है नहीं तो बाकी किसी का हिम्मत नहीं है कि किसी के बारे में कुछ बोल दे औकात दे के इंसान की बात करना चाहिए और कभी भी इंसान उसी को बोलता है जिसको लगता है थोड़ा बहुत उस लड़की अगर सेम टाइम पे चुप लिया दे ना तो दिमाग शांत हो जाएगा उसको तो काम लेना है ना किरण जी काम लेना है तो फिर कैसे सर काम हम भी तो कर रहे हैं ना तो काम के चक्कर में कुछ भी करेंगे पर जहाँ तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और यानी कि सोने की बात करते हैं वो लोग जब तक तो सोएंगे नहीं जब तक तो काम मिलेगा नहीं तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है किरण जी सर जो भी लड़की न्यू है अच्छा है, जो काम करना चाहते हैं इंसान उसको इतना ना तंग कर देते हैं जिसके साथ वो काम करते हैं कि वो एक तो आप काम अच्छे से करो चाहे जैसे भी करो आपका नाम नहीं हो पाता है जब इतना डिप्रेशन हो जाए घर से टचर फैमिली टचर समाज का टर्चर तो इंसान करेगा क्या वो लोग ना उकता जाती होगी ठीक है मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ करती हूँ कि जो जो लड़कियाँ मतलब इंटरव्यू में चाहे सोशल मीडिया में रो के बोलती हूँ उनके बारे में बोल रहे हैं तो वो शायद मुझे लगता है कि आज जानी होते हैं कि हम अब साफ आप कर नहीं पाएंगे टूट जाते हैं बस वो शायद कुछ गलत कर लेती होंगी पर ये गलत है इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपना मेहनत जारी रखना चाहिए पर मुझे भी लगता है ना सर कि हम चाहे जितना भी अच्छा काम करें इंसान को बहुत कम मौका मिलता है मौका मिलता भी है ना तो वो लोग के साथ अगर कुछ ना हो तो वो लोग चाहते हैं ना कि बिच चौराहे पे बेजती कर दे जैसे शूटिंग टाइम आपसे कुछ ऐसा बोलेंगे जो आप शूटिंग करते करते आप हो जाइएगा काम ही नहीं कर पाइएगा चाहे कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इंसान को मजबूरी में भी कुछ करना पड़ता है पर क्यों करें हम आजकल बहुत चीज़ें आपका रील्स बना सकते हैं Facebook पे बना सकते हैं खुद से अपना मेहनत करिए खुद से आगे बढ़ सपोर्ट करना है कर नहीं करना है जा। बाप का गुलाम है हम किरण तो जी ये एक सवाल उठ जाता है जब आप गई थी तो आपके साथ इस तरह का कोई व्यवहार नहीं ना किया गया था बहुत सारे हैं सर सबको अच्छा नहीं बोला जा सकता है और बहुत सारे हैं कि बहुत अच्छे भी हैं पर जहाँ तक कभी कभी क्या होता है कि लड़की लोग भी चाहे अच्छा अपने मतलब कुछ पाने के लिए ठीक है अपना नाम पाने के लिए जो चीज़ नहीं मिल पाते तो झूठ भी इंजाम लगाती हैं अब बहुत सारी लड़कियाँ ये हैं कि अब बहुत सारी पीड़ित हैं दुखी हैं तो वो हकीकत भी बताती तो किसका यकीन किया जाए और किसका ना और मेरा साथ तो मेरा तो खुद का ही मतलब अभी शूट हुआ था पटना में तो पता नहीं क्या माजरा है नहीं है अभी तक वो लोग गाना भी रिलीज नहीं किए हैं तो देखा जा सकता है कुछ भी हो सकता है अभी, अभी तक आपने कोई कौन कौन सा मूवी कितना मूवी बना लिया होंगे कितना एल्बम बनाई होंगी अब मूवी तो मैंने किया सर पर उसमें मेरा छोटा छोटा रोल था उसके बाद में मैंने रोल कर... नहीं मिला लीड नहीं था था जो शॉर्ट मूवी था जो नेपाल में हुआ है उसमें इंडिया वाले में जो बड़े से हीरो लोग के साथ में उनमें छोटा छोटा सीन है तो मैंने अब करना ही छोड़ दिया सर क्योंकि मतलब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और मेरे में कमी क्या है कि मैं छोटा छोटा रोल करूँ तो मैंने बोला मैं एक ही करूँगी दस नहीं करूँगी पर नहीं करूँगी तो मैंने बहुत सारा चीज़ अब कैंसिल करते करते मैंने एक साल से ना फिल्म पूरा कैंसिल कर दे रही हूँ बीच में आपका खेसारी सर का शूट हुआ था काठमांडू में उसमें से मुझे कॉल आया हुआ था उसमें कुछ साली वगैरह का रोल था मैंने सेम टाइम में कैंसिल

कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी पब्लिक देखते भी है अब वो साधु बन जाएंगे हरे रामा हरे की तो नहीं तो कोई नहीं देखेंगे तो ऐसे मैं आप खाली टाइम में आप hmm, रहती रहती हैं हम्म सर सोती सुना <laughs> क्या है कि जब मैं थक जाती हूँ अच्छा, मतलब कहीं कुछ टेंशन होता है मुझे तो बस मैं सोती हूँ अब कल से ही मैं बस सो रही हूँ <laughs> अच्छा आप कहीं कोई बॉयफ्रेंड अभी किरण जी कोई है कि नहीं नहीं सर अभी मैं अकेले हूँ और मैं अकेला नहीं रहना ही पसंद करूँ अकेला कब हुईगा ये जनता जानना चाहती सर उस लाइक कोई मिल तो जाएगा आप ढूंढिएगा मुझे लगता है कि मेरे लाइक कोई है ही नहीं तो आस पास के अपना नजर गड़ाइएगा कहीं न, कहीं ना मिल जाएगा और सर जिंदगी है ठीक है सफर है चल रहा है देखिए कहीं किसी मोड़ पे पे कोई मिल जाए पैर वहीं रुक जाएगा फिलहाल अभी चल रही है अच्छा, किस तरह का आपको आप ढूंढ रही हैं जो आपको नहीं मिल रहा है अभी तक सर मुझे अपने लाइफ में ऐसा अभी मैंने सोचा नहीं है आ, जब होगा जब यही सोचे कि मेरा कोई भी लड़का वो गरीब हो मतलब पैसा जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए पर सच्चा दिल का हो झूठ ना बोलता हो शराब वा पीता हो बस यही काफी है है शराब से एलर्जी बहुत ज्यादा <laughs> सबसे पहले रिश्ता में मायने रखता है विश्वास विश्वास होना चाहिए और रिश्ता बढ़िया होना चाहिए और मान सम्मान मेन मायने रखता है सर तो मान सम्मान करने वाला हो तो गरीब भी हो तो मुझे कोई फरम मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि मेरे लाइफ में कोई राजकुमार है जो बहुत अमीर हो नहीं ऐसा नहीं है मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या आप इसी लाइन में रहिएगा की अपना कुछ रूट अपना चेंज करना है आपको फिलहाल तो सर अभी काम करना है और काम किसी पर मैं कुछ देखती नहीं हूँ और रहा बात आगे का तो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी काम ये काम कर जी सर अब जब तक कर सके <laughs> करना ही है अभी तो को सर अभी तो स्ट्रगल चल रहा है अभी चल ही रहा है पर एक ही बात है सर कि मैं आप कोई भी मेरा वीडियो देखिए जो फेसबुक वगैरह पे मैं कभी कभी रील्स बना लेती हूँ ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ पर उसमें ज़्यादा क्योंकि मैं साड़ी वगैरह ही लगाती हूँ मुझे छोटा कपड़ा ज़्यादा लगाना पसंद नहीं है और मैं ज़्यादा होता है ना वो खराब सीन चाहे ऐसा वैसा नहीं कर पाती हूँ तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ अगर 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 आने वाले भविष्य में इस तरह का अगर कहीं रूल मिल जाए क्या तो करना पड़ेगा कुछ कुछ ना कुछ ना तो सर आ, काम है तो काम करना पड़ेगा देखिए काम को छोड़ नहीं सकते हैं पर उसमें भी एक सीमा होता है हम लोग काम कर रहे हैं समाज को दिखाने के लिए हम लोग की वजह से समाज सीखेगा क्योंकि हम लोग जो करेंगे वीडियो देखें तो आदमी पे प्रभाव पड़ता है ना तो जो अभी की लड़कियां हैं उनके असर ना पड़े गलत ना हो और जो लोग सोचते हैं कि बस पैसा है और नाम है नाम के लिए पैसा के लिए कुछ भी करे तो सर हम तो अभी नहीं सोचे वैसा कुछ करेंगे ना करेंगे में एकदम करना ही नहीं है एकदम आपने तय कर लिया जी सर जो अच्छा होगा वो करेंगे क्योंकि काम कर रहे हैं जो गलत होगा वो कभी नहीं करेंगे अच्छा पवन सिंह कैसे लगते हैं आप पवन सर से मैं कभी सर मिली नहीं हूँ नहीं नहीं, जानती है की नहीं जानते हैं सर कैसे नहीं जाने सर कठमांडू आए थे उस वक्त हम कठमांडू थे पर हम चाहते तो मिलने जाते हैं उनसे क्योंकि जो डायरेक्टर शूट करा रहे थे उनका शूट मैंने पहले भी किया था यस जी के साथ में तो मैंने कुछ टाइम बस नहीं मिली और मैंने सोचा कि क्यों हम मिलने जाए कि हो सके कि पौन सर के साथ मुझे कोई काम हो तब मिलने में मजा आएगा तो नहीं गए और रहा बात खेसारी सर का तो खेसारी सर से मैंने बातें वगैरह किया है तो खेसारी सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे बातें करते हैं जब सर से मिलेंगे तब बताएंगे आपको क्यों किस टाइप से बिहेव करते हैं न्यू आदमी से तो क्या क्या लगता है कि आने वाले समय में पवन सिंह से आप मिलिएगा सर मैं पब्लिक से और उनसे भी बोलूंगी कि सर हम जब भी मिले काम से मिले फिलहाल एक चीज और हम आप दिखाते हैं आपको और किरण जी हमेशा अपने पास एक चीज रखती हैं और शायद इसी से इनका मन भी लगता है और हम दिखा देते हैं अच्छा ये किरण जी आप क्यों हमेशा रखती हैं इस ऐसा ऐसा मेरे पास पाँच छे है <laughs> फिलहाल ये मेरे सोफा पे रहता है एक जो है मेरे बेड पे बहुत बड़ा सा पड़ा है और मुझे बहुत पसंद है डल <laughs> तो इसीलिए <laughs> जब तक किरण जी यानी कि शादी नहीं करेंगी जब तक इसको रखेंगी यानी कि दोस्त की तरह रखती हैं क्या किरण जी हम सही बोल रहे हैं सही बात है मुझे बहुत पसंद है कभी कभी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में होती हूँ हो, चाहे कोई होता है ना डिप्रेशन टाइप तो मोबाइल वोबाइल छोड़ के मैं चीजें खेलती हूँ घर फैमिली ऐसे भी होता है कि एक लड़की को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कोई भी काम करने में लड़की को सब कुछ दबाना चाहते हैं पर लड़की कमज़ोर नहीं है अगर अपने आप पे आ जाए तो अच्छा <laughs> <laughs> क्या? उसकी औकात दिखा देगी तो हम जैसे भी हैं सही हैं और हम सही काम करेंगे डर के के नहीं डट मुकाबला करना है। जी सर और मैं उन लोगों से भी बोलूंगी सर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ आप सब कमेंट करे आप लोगों ने तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखा ही होगा नहीं देखे होंगे तो आगे भी देखिए और ऐसे ही आप सब हमेशा मुझे सपोर्ट करिए आप लोग गाना सुन के जरूर बताइएगा की मैं सिंगर बन सकती हूँ की नहीं तुझे देखे देखे सोना तुझे देखे करे जगना तुझे देख देख सोना तुझे देख कर जगना मैंने ये चिनदी जानी संग तेरे बितानी तुझ में बसी है मेरी जान हाय जिया धरे के धरे के जिया धरे के धरे के जाई कब से है दिल में है मेरे अरे माँ कहिए अंत कहिए इनको तो सुनने आजा चाहत के रंग चढ़ा जा